छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चिटफंड कंपनी में फंसे लोगों के मूलधन की वापसी के लिए शासन के द्वारा तहसील कार्यालय के माध्यम से आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने के लिए निवेशक और एजेंट तहसील भी गए और आवेदन जमा भी किया, पर उनको पामगढ़ तहसील के द्वारा किसी प्रकार की पावती या रिसीविंग नहीं दी जा रही है, जिससे निवेशक और एजेंट अब परेशान है। वहीं तहसीलदार ने बताया कि पावती 1 से 2 दिन बाद दी जाएगी, अभी सिर्फ आवेदन जमा किए जा रहे हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए पामगढ़ से केशव सोनी की रिपोर्ट। यहाँ पता चली के फार्म जमा करा थे करके, तो हमन परसों के डेट में आके फार्म जमा करे हन तो पावती उती नहीं देते, पूछे हन कि कब मिली पावती ऐसे करके, तब परसों आना ऐसे बोले है और आ जाए हन, तब पावती नहीं मिला थे ऐसे कहते, ताला लगा दे है गेट मन में, तो हमला कौन आके पावती दी। हमला ये सुविधा चाहिए कि पावती हमन परसों डेट में जमा करे हन, तेला आके कोई भी तरीका से बोले कि यहाँ तुमन के पावती मिल जाए भाई इतना टाइम तक करके, तो हम तब तो तसल्ली मिल ही आदमी ला, और दो दो तीन तीन दिन ले आके यहाँ भटकत हमन काम बूता के दिन में है। पावती नहीं मिला सर, कल से हम जमा किए हैं। क्या बोल रहे हैं, पावती मांग रहे हैं? मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं सोमवार को, बोल आज का नाम दिया था उसके बाद बोल रहे हैं सोमवार को आना। कितना जमा किए थे आप? हमारे हम साई प्रसाद में है तो करीबन हमारे अंदर में 70-75 के आसपास की रकम है। मैं बड़ा कम करे है, मोर 3 था बेटा मन करे है, अब कर पावती में हो ही गा, अब मैं मोर बेटा मन कर के गए है और जमा कर देवे दाई कहे है तो कर दे हाँ, अब मोर 10,000 है और मोर बेटी के है ना 1 साल बहाते रही से तो होकर निकल जाए रहती बिन मुँह कान के वो है देखा ला करे हाँ। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअल में क्या हुआ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज लास्ट डेट है, तो यदि हम पावती देने में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो बच्चों आवेदन नहीं जमा हो पाएंगे, इसलिए व्यवस्था बनाई जा रही है, सभी आवेदन संभाल के रख लिए हैं और उसको चेक करके पावती को हम 1-2 दिन बाद उनको दे देंगे, पहले दिए हैं पावती, ऐसा नहीं कि नहीं दिए जी। उनका कहना है ग्राहकों का मैडम कि हमको पावती नहीं मिला है, ऐसे में हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी आवेदन यहाँ जमा है? नहीं भाई, उन्होंने खुद ने जमा किया है और कुछ लोग पावती लेके ही नहीं आ रहे हैं, फोटोकॉपी करा के ला रहे तो तुरंत पावती भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और जमा हुआ है, उनको निश्चिंत रहना चाहिए, हम सबको वापस वहाँ जिला कार्यालय भेज देंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।